हेलो स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए कंट्रोल सिस्टम आज हम लोग डिस्कस करेंगे करेटिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए ट्रांसफर फंक्शन तो देखिए करेटिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए ट्रांसफर फंक्शन क्या होती है कि जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जो ट्रांसफर फंक्शन आ रहा था किसी भी कंट्रोल सिस्टम का वो क्या आ रहा था लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ़ आउटपुट और डिवाइडेड बाई लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट ठीक है ये आ रहा था अब इसमें क्या होता है कि ट्रांसफर फंक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है ठीक है द करेटिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए लीनियर सिस्टम कैन बी ऑप्टेंड बाई इक्वेटिंग द डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन टू जीरो तो जो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल होता है इसको हम जैसे अगर हम इसको आ, उसमें लिखें बड़े फॉर्म में ठीक है या डिटेल फॉर्म में तो हमने जैसे प्रीवियस वीडियो में देखा था प्रीवियस लेक्चर में ये क्या आ रहा था ये आ रहा था आपका बी एम एस की पावर एम प्लस बी एम माइनस वन एस की पावर एम माइनस वन प्लस एंड सो ऑन फिर लास्ट में ये आपका बी वन एस और प्लस बी जीरो डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई आपका आ रहा था ये ए एन एस की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एस की पावर एन माइनस वन एंड सो ऑन और ए वन एस प्लस ए जीरो ट्रांसफर फंक्शन आ रहा था किसी भी लीनियर सिस्टम का तो अब इसके डिनोमिनेटर ये है डिनोमिनेटर इसका इसको अगर हम जीरो इक्वेट कर देंगे तो ये करेटिस्टिक इक्वेशन आ जाएगी ठीक है यानी कि सिंपली अगर हम ये लेखें ए एन एस की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एस की पावर एन माइनस वन ठीक है प्लस ए टू एस की पावर एन माइनस टू और ऐसे ही आप पूरी तो, जो भी एक्सप्रेशन है आपका नीचे दिया हुआ डिनोमिनेटर में उसको आप इक्वल टू जीरो कर दीजिए दिस इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मतलब कि डिनोमिनेटर ऑफ ए ट्रांसफर फंक्शन एक इज इक्वेटेड टू जीरो एंड दिस इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन करेक्टिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए कंट्रोल सिस्टम पहली चीज अब दूसरी चीज क्या कह रहा है कि अगर मार... अच्छा ये तो हो गया करेटिस्टिक इक्वेशन अब करेटिस्टिक इक्वेशन के दो मेन कंपोनेंट हैं पोल्स एंड जीरो वो आप समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छा यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि ये जो हमने इसकी करेटिस्टिक इक्वेशन लिखी है ठीक है यहाँ पे क्या होगा कि अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि पोल्स एंड जीरोस ऑफ ए ट्रांसफर फंक्शन किसी भी ट्रांसफर फंक्शन का पोल और जीरो क्या होता है और उसका क्या यूज है ठीक है तो अब इसमें क्या होगा कि मान लीजिए ये जो आपका ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है ये दिया हुआ है ना इसको सपोज कीजिए अगर हम फैक्टराइज करके फैक्टर करके इसको अगर हम इस फॉर्म में लिख सक लिख सकते हैं सपोज कीजिए जी एस टू हमने लिख दिया के एस प्लस जेड वन एस प्लस जेड टू फिर मान लीजिए क्वांटिटी आ गया एस स्क्वायर ए एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी डिवाइडेड बाई यहाँ हमने लिखा एस प्लस पी वन एस प्लस पी टू और जो क्वाड्रेटिक है वो मान लीजिए हमने लिखा कैपिटल ए एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी तो सपोज कीजिए अगर इस ट्रांसफर फंक्शन को इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम फैक्टराइज करके इस फॉर्म में लिख सकें और जहाँ पर ये ध्यान रखिए जो के हमने इंट्रोड्यूस किया है के क्या है के है बी एम अपॉन एन ठीक है और ये क्या है ये है गेन फैक्टर गेन फैक्टर ठीक है और एस जो इंट्रोड्यूस हुआ एस क्या है एस है आपकी कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी ठीक है तो अब इसमें क्या करेंगे आप तो इसमें सिंपली क्या है कि अब पहले हम पोल्स की बात करें पोल्स कैसे पता चलेगा तो द पोल्स ऑफ जी एस आर दोज वैल्यूज ऑफ एस विच मेक जी एस टेन टू इनफिनिटी यानी कि पोल्स क्या हैं एस की वो वैल्यूज हैं जो जी एस को इनफाइनाइट करती हो मतलब कि एस की वो वैल्यूज जो जी एस की वैल्यू को इनफिनिटी करती हो और जी एस की वैल्यू इन्फिनिटी कब होगी जब ये जीरो हो जाए या ये जीरो हो जाए या ये ज़ीरो हो जाए या इनमें से कोई एक या एक से ज्यादा फैक्टर जीरो हो जाए तो जब आप इस तरह बात करेंगे तो आपको वैल्यूज क्या निकल के आएगी कि एस बराबर माइनस पी वन आ जाए या एस बराबर माइनस पी टू आ जाए या अगर आप क्वाड्रेटिक से निकालेंगे तो एस बराबर हो जाएगा आपका माइनस का बी ठीक है प्लस माइनस अंडरवुड बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन तो इसमें तो ये जो अगर वैल्यूज आएंगी तो क्या होगा इन वैल्यूज के आने से ये ये देखिए ये यहाँ पे दो वैल्यू आएगी ना एक बार प्लस लेके एक बार माइनस लेके तो एक तरह से ये ऑफ पोल्स को दिखा रहा है दो पोल्स को ठीक तो जीएस ये जीरो हो जाएगा जीएस क्या होगा इनफाइनाइट हो जाएगा तो अगर आपसे कोई पूछे कि पोल क्या है किसी भी ट्रांसफर फंक्शन का तो पोल किसी भी ट्रांसफर फंक्शन की एस की वो वैल्यूज हैं जो ट्रांसफर फंक्शन को इनफाइनाइट बनाती हैं क्लियर तो ये तो हो गया पोल्स की डेफिनेशन अब आप आ जाइए जीरोस पे जीरोस क्या होते हैं ठीक तो जीरोस के अगर आप डिफाइन करेंगे तो पोल्स की तरह जैसे पोल्स क्या कर रहा था जीएस को इनफाइनाइट कर रहा था यहां पे एस की वो वैल्यू जो जीएस को जीरो करती हो तो जीएस को जीरो कब होगी आप ट्रांसफर फंक्शन का जो न्यूमरेटर है उसको आप देखिए तो जब एस बराबर माइनस जेड वन होगा तब वो जीरो होगा एस बराबर माइनस जेड टू होगा तब वो जीरो होगा या अगर क्वाड्रेटिक से आप उठाएं तो एस बराबर जब माइनस बी प्लस माइनस अंडरवूड बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए भी आपका पेयर ऑफ जीरोस दिखा रहा है दो जीरो ठीक तो एस की वैल्यू अगर ये होगी ये होगी ये होगी या ये सब होगी या इनमें से कोई भी एक होगी जहां वो जी एस ज़ीरो हो जाएगा तो एन एस की उन वैल्यूज़ को ज़ीरो बोलते हैं तो इसको फिर से मैं समराइज़ करूंगा कि देखिए पोल्स क्या हुए एस की वो वैल्यू हो गई जो जी एस को इनफाइनाइट बना रही है ठीक ट्रांसफर फंक्शन को और जीरो क्या हुए एस की वो वैल्यूज हो गई जो जीएस को जीरो बना रही है क्लियर अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ठीक अब इसमें क्या है कि इसमें एक चीज यह ध्यान रखिएगा कि अगर इफ आइदर पोल्स और जीरोस कॉन देन सच टाइप ऑफ पोल्स और जीरोज आर कॉल्ड मल्टीपल पोल्स और मल्टीपल जीरो अदरवाइज दे आर नोन एज सिंपल पोल और सिंपल जीरो मतलब ये जो आप एस की वैल्यू निकालेंगे यहां से यहां से यहां से ठीक है अगर वो वैल्यूज अलग अलग आते मान लीजिए एक से सपोज कीजिए एक बार एस बराबर आया से माइनस थ्री माइनस फोर ठीक है और इससे निकल के आया से सपोज कीजिए माइनस एट और माइनस ट्वेल्व तो ये वैल्यू सारी अलग अलग है ना कॉन्साइड नहीं कर रही है तो ये क्या कहलाएंगे ये कहलाएंगे सिंपल पोल या अगर जीरो आप ले रहे हैं तो सिंपल पोल या सिंपल जीरो ये आप समझिए ठीक और मान लीजिए एस की वैल्यू ऐसे आ रही है जैसे माइनस थ्री माइनस फोर और फिर हमने सॉल्व किया इसको तो हमारा आ रहा है माइनस फोर और माइनस सिक्स तो अब ये वैल्यूज क्या कर रही हैं कॉन्साइड कर रही हैं ठीक है तो इसको फिर हम क्या बोलते हैं सिंपल पोल की बजाय इसको हम बोलेंगे मल्टीपल चाहे पोल है चाहे जीरो है मल्टीपल पोल और मल्टीपल जीरो मल्टीपल जीरो ये ध्यान रखिएगा क्लियर अब इसको हम क्या करते हैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझा देते हैं कि पोल्स और जीरो क्या होता है तो आपको और बढ़िया तरह से क्लियर हो जाएगा तो सपोज कीजिए मान लीजिए हमने कहा कोई ट्रांसफर फंक्शन लिया से लेट ए देखिए मेरे लेक्चर में समझने की कोशिश कीजिए ज्यादा मैं डिक्टेशन देने में ज्यादा नहीं बिलीव करता तो ट्रांसफर फंक्शन सपोज कीजिए हमने दिया जी एस इज इक्वल टू आपको फिफ्टी एस प्लस थ्री डिवाइडेड बाई एस इंटू एस प्लस टू इंटू एस प्लस फोर का स्क्वायर ठीक अब इसमें हम क्या करेंगे पहले हम पहले आप पोल्स निकालिए और जीरो निकालिए ठीक है तो क्या होगा कि यहां पे जब हम पोल्स निकालेंगे कहां से सर? देखिए एस को आप जीरो रखोगे यानी एस इक्वल टू एक तो जीरो पे पोल हो गया यहां से आप निकालेंगे ये तो एस इक्वल जीरो यहां से आप निकालेंगे एस इक्वल टू माइनस टू आ गया और यहां से आप निकालेंगे चूंकि यहां स्क्वायर है यानी यहां पे माइनस फोर पे दो पोल है ठीक है ना अब ऐसे ही आप क्या करेंगे कि जीरोज निकालिए जीरोज निकालेंगे तो यहां से आप जीरो निकालिए एक सिंपल जीरो आ रहा है एस इक्वल टू माइनस थ्री ठीक अब इसमें क्या हुआ देखिए ये दोनों क्या हुए सिंपल पोल ये क्या हुआ सिंपल जीरो और ये क्या हुआ मल्टीपल पोल यही चीज मैं आपको समझा रहा था अभी थ्योरी में ठीक अब इसके बाद क्या होगा कि ये जो पोल्स और ज़ीरो हैं ये क्या है फाइनाइट वैल्यूज हैं अब इनको मान लीजिए हम ड्रा भी करना चाहें ठीक है एस प्लेन जैसे आप लोगों ने अगर टेन प्लस टू लेवल पे या कॉम्प्लेक्स नंबर्स टेन प्लस टू लेवल पे आपने पढ़ा होगा या बीटेक में पढ़ा होगा और अगर नहीं पढ़ा है या भूल गया तो उसको रिफ्रेश कर लीजिए कंट्रोल सिस्टम पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरत पड़ेगी तो अब इसमें क्या है आपका कि जब हम इसको निकालेंगे कि पोल्स और जीरो फाइनाइट वैल्यू दी हुई है तो फिर क्या करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आप रिफ्रेश कर लेंगे तो आपको कंट्रोल में आगे तक आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी जब भी आप फ्रिक्वेंसी डोमेन में जाएंगे तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी तो इसमें क्या है कि देखिए जब हम इसको अगर पोल औन, पोल एंड जीरो तो आप देख रहे हैं फाइनाइट वैल्यू है अब मान लीजिए इसको अगर हम एस प्लेन में ड्रॉ करें तो आपको मालूम है कि एस इक्वल टू क्या होता है सिग्मा प्लस जे ओमेगा ये इसका रियल पार्ट हो गया ये इसका इमेजनरी पार्ट हो गया तो अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे मान लीजिए ये हमारा एस प्लेन है ठीक है तो से ये सिग्मा हो गया और ये हमारा जे ओमेगा हो गया क्लियर अब सपोज कीजिए हमने वन टू थ्री फोर फाइव ऐसे मेंशन इधर वन टू इधर तो जरूरत नहीं पड़ेगी फिर हमने कहा वन टू थ्री फोर फाइव ऐसे ठीक अब देखिए इनको जब हम ड्रॉ कर पहले पहले पोल्स को मार्क करते हैं तो जीरो पे एक पोल है तो जनरली देखिए पोल को इंडिकेट करते हैं क्रॉस से और ज़ीरो को इंडिकेट करते हैं सर्किल से ठीक तो पहला पोल अगर आप यहां पे ड्रॉ करेंगे तो ज़ीरो पे हमने एक पोल बना दिया ठीक या हम एक काम करते हैं और इसको डिस्टिंगश करने के लिए अलग कलर यूज कर लेते हैं एक पोल हमने बना दिया जीरो पे फिर माइनस टू पे ठीक फिर ये हो गया माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री और फिर माइनस फोर पे क्या है हमारा डबल पोल है ठीक ये तो हो गया पोल उसके बाद अगर हम जीरो मेंशन करेंगे तो जीरो हमारा कहाँ पे माइनस थ्री पे ठीक है जीरो ये जीरो हमारा कहां है माइनस थ्री पे तो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री यहां हमने दिखा दिया जीरो ये हमारा जीरो मेंशन हो गया अब इसमें देखिए जब हम पूरे ये ये क्या कहलाता है ये कहलाता है एस प्लेन तो जब हम पूरे एस प्लेन को अगर हम कंसीडर करेंगे तो क्या होगा कि इसमें देखिए साफ साफ दिख रहा है दो केस बन रहे हैं टू केस ठीक है क्या बन रहा है कि पहला केस तो ये है कि नंबर ऑफ जीरोज़ आर लेस देन नंबर ऑफ पोल्स देखिए नंबर ऑफ जीरो मान लीजिए नंबर ऑफ जीरोज़ इसको हम दिखा रहे हैं जेड से और नंबर ऑफ पोल्स हम दिखा रहे हैं किससे पी से तो अगर हमने कहा पहला केस क्या है नंबर ऑफ जीरो इज लेस देन पी देन द वैल्यू ऑफ ट्रांसफर फंक्शन बिकम जीरो फॉर एस टेंस टू इंफिनिटी तो देखिए जब जीरोज आपके कम है तो क्या होगा कि ट्रांसफर फंक्शन जो है आपका ट्रांसफर फंक्शन की जो वैल्यू है वो <coughs> सॉरी वो जीरो होगी कब जब एस टेंड्स टू इंफिनिटी होगा ठीक या दूसरे ढंग से हम कह सकते हैं कि देर आर एट इंफिनिटी एंड द ऑर्डर ऑफ सच इज़ पी माइनस जेड देखिए ये क्या कहना चाह रहा है ये कहना ये चाह रहा है कि आइडियली हम ये मान के चलते हैं कि नंबर ऑफ जीरो और नंबर ऑफ पोल इक्वल होने चाहिए ठीक अब यहां पे आपको दिख रहा है कि जीरो एक है और पोल्स कितने हैं एक दो तीन चार तो अगर आप यहां पे z माइनस पी पी माइनस जेड करेंगे तो कितना आएगा चार पोल में से एक पोल गया एक जीरो गया बचा तीन तो ये और चूंकि हम यहां पे ये भी कह रहे हैं कि नंबर ऑफ जीरो नंबर ऑफ पोल्स बराबर चाहिए मतलब क्या हुआ कि हम ये मान लेंगे कि ये जो तीन जीरो है ये कहां पे है इंफिनिटी पे है क्लियर वी कैन से दैट देर आर जीरोज एट इंफिनिटी एंड द ऑर्डर ऑफ सच जीरोज इज पी माइनस जेड ये चीज ठीक है इसका मतलब क्या हुआ इसमें हम ये कहेंगे एक जीरो हमारा यहां पे बाकी के तीन जीरो हमारे इनफाइनाइट पे इंफिनिटी पे है क्लियर ये तो हो गया पहला केस अब सेकेंड केस में आ जाइए सेकेंड केस में क्या होगा अब यहां पे आ जाइए केस टू केस टू में केस टू में क्या होगा अगर आप नंबर ऑफ पोल्स कम है नंबर ऑफ जीरो से वहां पे जीरो कम थे यहां पोल्स कम है तो क्या होगा कि जो ट्रांसफर फंक्शन है वैल्यू ऑफ ट्रांसफर फंक्शन वो क्या हो जाएगी इनफाइनाइट हो जाएगी कब व्हेन एस टेंड्स टू इंफिनिटी वहां पे ट्रांसफर फंक्शन जीरो हो रहा था यहां पे इनफाइनाइट हो जाएगा तो इस केस में हम क्या करेंगे कि जो ब, जो अगर नंबर ऑफ पोल्स ज्यादा है ये जो हमने एग्जाम्पल लिए इसमें तो सॉरी नंबर ऑफ पोल्स कम है ये जो हमने एग्जाम्पल लिए इसमें नंबर ऑफ पोल्स सॉरी नंबर ऑफ जो अभी हमने पिछले स्लाइड में एग्जाम्पल लिए उसमें पोल्स चार हैं जीरो पोल्स कितने हैं चार और जीरो कितने हैं वन यहां पे जो हम केस डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पोल्स कम है मतलब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहां पे पोल्स है किसी फंक्शन के दो और जीरो हैं उसके तीन और हमने ये भी कहा अभी आपसे कि नंबर ऑफ पोल और नंबर ऑफ जीरो बराबर होने चाहिए तो बराबर होने का मतलब यह हुआ कि एक पोल जो कम है यानी अगर आप z माइनस पी करोगे तो तीन माइनस दो इज टू वन आया तो ये जो एक पोल कम है ये पोल कहां पे होगा ये होगा इंफिनिटी पे क्लियर यह हम कहना चाह रहे थे आपसे ठीक तो इसका मतलब क्या होता है कि इन एडिशन टू फाइनाइट पोल्स एंड जीरोस एंड इंफिनिटी देन फॉर ए रेशनल फंक्शन द टोटल नंबर ऑफ जीरो विल बी इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ पोल्स तो ये आप ध्यान रखिएगा टोटल नंबर ऑफ पोल्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ जीरोज होगा जो आपको फंक्शन नहीं दिखेगा वो वो आपको जैसे इस केस के लिए अगर हम मान लीजिए कोई ट्रांसफर फंक्शन बना दे से जी एस इज इक्वल टू दिया हुआ है एस प्लस टू एस प्लस थ्री एस प्लस फाइव और यहाँ आपको डिवाइडेड बाई दे दिया है एस प्लस वन और एस प्लस सेवन अब इसमें पोल्स कितने हैं माइनस वन और माइनस सेवन पे जीरो कहाँ पे है माइनस टू माइनस थ्री माइनस फाइव ठीक है ना यानी पोल्स कितने हैं सॉरी पोल्स हैं दो और जीरो है तीन तो यानी अगर आप जीरो माइनस पोल करोगे तो तीन माइनस दो इज टू एक जीरो इसका एक जीरो कहां होगा इन्फिनिटी पे होगा इसलिए क्योंकि नंबर ऑफ पोल्स और नंबर ऑफ जीरोस बराबर लेंगे ठीक है सो दिस वाज ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड पोल्स एंड जीरोस ऑफ ए ट्रांसफर फंक्शन तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजन है कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप उसको कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए क्योंकि अभी सब्जेक्ट की शुरुआत हो रही है यहाँ कोई कंफ्यूजन होगा तो आगे तक दिक्कत आएगी अभी ही उस कंफ्यूजन को आप दूर कर लीजिए और अगर अब वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए लाइक कीजिए चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो चैनल पर डाली जाए उसकी इंफॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए थैंक यू